जी नमस्ते। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी रोग से ग्रसित है, तो उसका एकमात्र कारण है, यह एकमात्र कारण वही कारण है जो आपके परिवार में किसी भी सदस्य के किसी भी प्रकार के समस्या से ग्रसित होने का है, वो शारीरिक समस्या हो, मानसिक समस्या हो, फाइनेंशियल समस्या हो, एग्ज़ाम पास नहीं करने की, नंबर कम आने की, या ऑफिस में तरक्की नहीं मिलने की, किसी प्रकार की समस्या होती है ना, उसका एकमात्र कारण है वही जो मैं पिछली वीडियो में भी जो कहा था मैंने, और हमेशा एक ही मुद्दे के ऊपर मैं स्ट्रेस देता रहता हूँ, वो है परिवार वाले, फैमिली मेम्बर्स का बिहेवियर। ये जो खाना पीना होता है, जो अर्थव्यवस्था है, जो सरकार की व्यवस्था है, जो मौसम है, ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, प्राथमिक नहीं है, प्राइमरी चीज़ नहीं है। प्राइमरी चीज़ है कि आपके आसपास के लोगों का बर्ताव कैसा है आपके प्रति, आपके फैमिली का बिहेवियर कैसा है, सबसे प्रमुख कारण है वो। तो जैसे कि हर बार मैं चक्रों पर बात करता हूँ, फिर से थोड़ा चक्रों को रिवाइज़ कर लेते हैं। पहले नंबर का चक्र है रूट चक्र, यानी कि मूलाधार चक्र। दूसरे नंबर का चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र, यानी कि सैक्रल चक्र। तीसरे नंबर का सोलर प्लेक्सस मणिपूरक चक्र। चौथे नंबर का अनाहत चक्र, यानी कि हार्ट चक्र। पाँचवें नंबर का विशुद्ध चक्र थ्रोट चक्र। छठे नंबर का आज्ञा चक्र थर्ड आई, तीसरी आँख, पीनियल ग्लैंड। और सातवें नंबर का सहस्रार चक्र क्राउन चक्र। तो ये जब चक्र इम्बैलेंस होते हैं तो इंसान की ज़िंदगी में कोई समस्या उत्पन्न होती है, वो शारीरिक हो सकती है कि मानसिक हो सकती है, वित्तीय भी हो सकती हैं, और पढ़ाई लिखाई, फिर ऑफिस के तरक्की वरक्की, सब तरह की चीज़ों से संबंधित हो सकती हैं। तो जैसे कि मूलाधार चक्र अगर आपका वीक हुआ, तो सबसे पहला चक्र है, तो उठने बैठने की समस्या, जो पैरों के से रिलेटेड, पैरों से रिलेटेड किसी प्रकार की समस्या, घोटू की समस्या, जांघों का दर्द होता है, पिंडलियों का दर्द, जो पंजे हैं, पंजों का दर्द, कुछ भी प्रकार का नीचे का जो पार्ट है ना, कमर से नीचे का पार्ट, कमर अपने आप में, कमर का दर्द भी, ये तब उत्पन्न होते हैं जब आपका मूलाधार चक्र वीक होता है। इसी प्रकार से कोई भी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, या फिर यूरिनरी ट्रैक से संबंधित समस्या है, तो ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब सैक्रल चक्र वीक है। कोई पेट की समस्या है, डायबिटीज़ है, अल्सर वगैरह हैं, ये सब तब उत्पन्न होते हैं जब आपका जो मणिपूरक चक्र है वो वीक होता है। इसी प्रकार से दिल की जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो तब उत्पन्न होती हैं जब हार्ट चक्र यानी कि अनाहत चक्र वीक होता है। उसके अलावा गले से संबंधित कोई भी समस्या है, गले का कैंसर हो गया है, थायराइड है, और होती होगी कोई भी चीज़ें, तो वो सब तब उत्पन्न होता है, जस्ट अ मिनट, हाँ, वो सब समस्या तब उत्पन्न होती हैं जब विशुद्ध चक्र वीक होता है। और दिमाग से संबंधित, दिमाग खराब हो जाना, पागलपन हो जाना, भूत प्रेत नज़र आना, या हेलुसिनेशन होना, या दौरे पड़ना, या ब्रेन हैमरेज हो जाना, या इस तरह की कोई भी दिमाग संबंधित जो भी समस्या है, वो विशुद्ध जो आज्ञा चक्र है उसके वीक होने के उपरांत होती हैं। और फिर सहस्रार चक्र भी वैसा ही कंसेप्ट है। सहस्रार चक्र अगर वीक है तो इंसान संघर्ष ही करता रहेगा, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। बट एनीवे, आप ये देखिए कि मूलाधार चक्र जब वीक होता है, मूलाधार चक्र का वीक होता है जब इंसान फट्टू टाइप का होता है ना, जब इंसान फट्टू होता, सारा माइंडसेट है, कुंडलिनी इज अ माइंडसेट, आपका एटीट्यूड कैसा है, आपकी विचारधारा कैसी है। अगर आप फट्टू टाइप के हैं ना, आपको बचपन से माँ बाप ने डरा कर रखा है, आप टीचरों से डरते रहते हैं, अंधेरे से डरते हैं, सरकार से डरते हैं, कानून से डरते हैं, बैंक से डरते हैं, पैसे से डरते हैं, पैसे के बारे में हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, आपके घर वाले हमेशा आपकी उंगली करते रहते हैं कि भैया और पैसा कमा के दे, और पैसा कमा के दे, और पैसा कमा के दे, वो सिर के अंदर मतलब टेंशन बढ़ देते हैं हमेशा पैसे को लेकर। इनसिक्योरिटी जब भी दी जाती है तो मूलाधार चक्र वीक होता है। तो मेरी माँ को घोटू की समस्या है, मेरी माँ को चलने फिरने की भी समस्या है, ये ऑलमोस्ट हर घर के अंदर होती है, क्योंकि जो माँ बाप टाइप के लोग होते हैं ना, ये सब ऐसे ही होते हैं हमेशा, लाल लालच है,
लालच भर भर के भरा पड़ा है, लालच भर भर के है। और फिर भाई लालच करोगे तो पैसा आप कमा ही नहीं सकते, पैसा आएगा तो भी मतलब वो खुशी आपको मिलेगी नहीं, तो आप पैसे के पीछे भागते रहोगे जो कभी मिलेगा नहीं। पैसा तो आपको पैशन के पीछे भागने से मिलेगा, पैसे के पीछे भागने से पैसा कभी नहीं मिलेगा, तो मिलता नहीं है। तो इनसिक्योरिटी रह जाती है यार, ये घर का लोन चुकाना है, वो बिजली का बिल चुकाना है, वो पानी का बिल चुकाना है, ये इसकी बेटी की शादी करनी है, बेटे की पढ़ाई की, ये वो, मतलब हमेशा टेंशन लेता रहता आदि नहीं। तो जब इंसान टेंशन लेता रहेगा, इनसिक्योर रहेगा, फियर रहेगा उसके अंदर, डरता रहेगा इन चीज़ों से, तो उसका मूलाधार चक्र वीक होता है। और जो इंसान जितना ज़्यादा सिटिंग वाला काम करता है, जितने भी सरकारी नौकर होते हैं या जितने भी ऑफिस में बैठ के सिटिंग वाले काम करते हैं, उनको मूलाधार चक्र उनका वीक ही रहता है, तभी तो फिर वो नौकरी करते रहते हैं, गुलामी करते रहते हैं। क्योंकि मूलाधार चक्र एक्टिव होने के लिए क्या होता है, आपके दोनों नितंबों का हिलना बहुत ज़रूरी होता है। वो चलने वाला काम, उठने बैठने वाला काम, एक्टिव रहने वाला काम, तो ऑफिस में क्या होता है, बैठा के रखा जाता है, तो वो मूलाधार चक्र वीक रह जाता है। तो उससे फिर घोटू की समस्या, जांघों की समस्या, कमर का दर्द और पिंडलियों का दर्द, ये सारे दर्द वर्द उत्पन्न होते हैं। तो जो मैं काम की बात कहना चाह रहा था कि यार जब ये चक्रों का कंसेप्ट मुझे समझ में आया तो मुझे बातें याद आईं। मेरा जो नाना था वो हार्ट अटैक से मरा, मेरी नानी वो भी हार्ट अटैक से मरी, और उसी घर में जो मेरा मामा है उसको भी हार्ट की समस्या उत्पन्न हो गई। कारण क्या है, उस घर के अंदर प्रेम है ही नहीं, प्लीज अंडरस्टैंड। तो उस घर में तो क्या, किसी घर में प्रेम नहीं है, मतलब औरत तो जो होती है वो आदमी से प्यार नहीं करती है, जो आदमी होता है वो औरत से प्यार नहीं करता है, जो पति पत्नी होते हैं वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं, मतलब वो तो गुलामी के चक्कर में ठूसते रहते हैं ताकि बच्चे बड़े होके बढ़िया से गुलाम बन जाएं और पैसे कमा कमा के हमको देवें, और फिर वो एहसान जताते हैं। तो ये प्रेम तो है ही नहीं परिवार वालों के अंदर, किसी भी घर के अंदर प्रेम तो है ही नहीं, इसलिए हार्ट की जो समस्या बड़ी कॉमन है। ये जो तेल कैसा है या फिर खाना कैसा मिलता है, ये सब इररिलेवेंट चीज़ें हैं। अरे भाई साहब, मैं भी बहुत सुट्टा मार रहा हूँ 9 साल से और बाहर का खाना ही खा रहा हूँ, मुझे ना तो कोई घोटू की समस्या है, ना कोई यूरिनरी समस्या है, ना कोई सेक्सुअल समस्या है, ना कोई डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ना कोई हार्ट की समस्या है, ना कोई लंग्स की समस्या है, ना कोई गले का, इतना सुट्टा मारता हूँ ना गले की कोई समस्या है, कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि एटीट्यूड मेरा हमेशा सही रहा है और मैं फैमिली से दूर रहा हूँ। प्लीज अंडरस्टैंड, क्योंकि सारी फैमिली है ना इसके अंदर यही है, कोई प्रेम है ही नहीं। इसीलिए तो जैसे कि मेरा मामा है, मामा अपने मुंह से कभी नहीं कहेगा, लेकिन मामा अपने घर में रहकर नॉर्मल खाना खा रहा है, फिर भी उसका हार्ट फेल होने के कगार पे आ गया, फोर्टिस में ले जाके उसका इलाज करा रहे हैं, लेकिन वो नंगा है। कोई भी मर्द जो भी इस उम्र का है, मतलब 35, 40, 45, 50, 55, इस उम्र का कोई भी मर्द है, अगर उसको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो वो आदमी नंगा है। वो साफ साफ उसका दिल चीख चीख कर कह रहा है भाई साहब कि उसकी बीवी और उसके बच्चे उससे प्यार नहीं करते। आई रिपीट, कोई भी आदमी, शादीशुदा आदमी घर का खाना ही खा रहा है, जो वो छोटे शहर में रह रहा है, ज़्यादा कोई स्ट्रेस है नहीं, छोटे शहर में खुद का घर है, परमानेंट सरकारी नौकरी है, क्या कोई टेंशन, क्या है, कोई टेंशन नहीं है, दिल पर रखने वाली बात ही नहीं है कोई। वो नंगा है, उसका दिल खराब हो गया है, वो दिल चीख चीख के बता रहा है कि उसके दिल के अंदर ईर्ष्या बहुत है, वो अड़ोसी पड़ोसी से जलता है, वो रिश्तेदारों से जलता है, उसकी बीवी उससे प्यार नहीं करती, उसके बच्चे उससे प्यार नहीं करते। अगर मेरे घर वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात साफ साफ लिख लें और गांठ बांध लें, जो पप्पू मामा है उससे घर वाले उससे प्यार नहीं करते। और वो आदमी अंदर ही अंदर जलता है, वो आदमी अंदर ही अंदर कुड़ता है, उसको आप 40s ले जाओ कि 50s ले जाओ कि 60s ले जाओ, वो दर्द ठीक नहीं होगा, वो बीमारी ठीक नहीं होगी, उस आदमी को एक प्रोडक्ट बना दिया जाएगा, वो दवाई खिला खिला के स्लो पॉइजन खिला के उसको नशा, वो दवाइयों का एक नशा होता है। ये हॉस्पिटल इंसान का जो मर्ज है, रोग है, उसको ठीक करने के लिए नहीं बने, प्लीज अंडरस्टैंड। ये इंसान को मशीन बनाने के लिए बने हैं, ताकि इंसान का कोई मर्ज उनके सामने आ जावे तो उनकी दवाइयाँ बिकनी स्टार्ट हो जावे। डॉक्टरों का जो फीस, मोटी मोटी फीस होती है, जो हॉस्पिटलों का जो फीस होती है, जो हॉस्पिटलों में लगती है ना मोटी मोटी रकम,
वो उनका धंधा चालू हो जाए, उससे वो ठीक नहीं होगा। इसी प्रकार से जो मेरी माँ है उसका मैंने बता दिया। कुछ लोगों को जो पेट की समस्या होती है, पेट की समस्या इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने परिवार में देखा होता है कि यार जब चारों तरफ समाज ही ऐसा है, इकोनॉमी ऐसी है, हमारे घर के जो बच्चे वो भी निकम्मे निकले, पढ़ाई लिखाई करने में आगे निकले नहीं, तो हम कुछ ज़िंदगी में कर ही नहीं पाएंगे। तो वो जो दृढ़ता होती है, जो दृढ़ संकल्पता होती है, वो जिन परिवारों के अंदर, जिन सदस्यों के अंदर कम हो जाती है, और जिनको इस तरीके से ताने मार मार के उनका विश्वास तोड़ा जाता है, उनका क्या है कि जो मणिपूरक चक्र होता है वो वीक हो जाता है। तो मेरा जो बाप था उसने भी ज़िंदगी के अंदर बहुत फाइट मारी लोगों को जागरूक करने की, एक क्रांति लेकर आने की, लेकिन हरामखोर समाज इतना है, वो हरामखोर समाज ने उसकी बात सुनी नहीं, तो उसने फिर अल्टीमेटली हार मान ली। इस वजह से डायबिटीज़ के रोग से मेरा बाप, और उसके पहले डायबिटीज़ का रोग तो बाद में हुआ था, पहले उसको आस्थमा का रोग था। आस्थमा का रोग मेरे बाप को था, ये आस्थमा का रोग सीने में से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था उसकी बीवी उसे प्यार नहीं करती। और ये सत्य है, मेरे बाप की बीवी ने कभी मेरे बाप से प्यार नहीं किया। और मेरा बाप तो बहुत ही ज़्यादा क्या है कि क्रांतिकारी आदमी था, तो उसने घर बचपन में छोड़ दिया था, जैसे मैंने छोड़ दिया, मैंने फिर भी जवानी में छोड़ा है। मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, वो मेरे घर वाले नहीं करने दे रहे। मेरे बाप ने तो और बचपन में छोड़ दिया था क्योंकि मेरे बाप को समझ में आ गया था कि जो परिवार वाले उसको पढ़ने भी नहीं देंगे, तो पढ़ाई करने के लिए अपने दोस्त के घर भाग गया, फिर उसके साथ वो पढ़ाई करने लगा। तो परिवार का प्रेम उसको वहाँ मिला नहीं। फिर मेरे बाप ने एक दो और शादियाँ करने की कोशिश की, वो ज़्यादा डिटेल में जानता नहीं हूँ, बट ऐसा मुझे बताया गया है। भड़काते हैं ना बेसिकली बाप के खिलाफ, तो भड़काया गया कि मेरे बाप ने ये औरत रख ली, वो औरत रख ली, तो इसलिए रख ली थी ना क्योंकि मेरा बाप प्यार तलाश रहा था, वो प्यार उसे मिला नहीं, तो इसलिए वो आत्मा के रोग से मेरा बाप चल बसा। इसी प्रकार से मेरा नाना चल बसा क्योंकि मेरे नाना को, नाना से और नानी से, ये तो मेरे आंखों के सामने की बात है, मेरे नाना से और मेरी नानी से मैंने अपनी माँ को झगड़ते हुए देखा है। मेरे नाना और नानी से मैंने अपने मामा को झगड़ते हुए देखा है। मेरे नाना और नानी से मैंने अपनी मामी को झगड़ते हुए देखा है। मेरे नाना और नानी से मैंने अपनी मौसियों को झगड़ते हुए देखा है। भाई साहब, मेरा नाना दिल की बीमारी से चल बसा, उसका दिल नंगा होके चिकला चिल्ला के चीख चीख कह रहा था कि उसको अपने परिवार में प्रेम नहीं मिलता। और पहले मेरी नानी चल बसी और नानी के गम में दिल की ही बीमारी से मेरा नाना चल बसा। और चल बसने से पहले विक्टोरिया नाम के हॉस्पिटल ने पूरा पूरा चूस लिया, पूरा उसको मनी मेकिंग मशीन बना के चूस लिया। प्लीज अंडरस्टैंड। इसी प्रकार से यार ये तो कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ती है, तो जैसे कि मेरी बाप की कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ी थी, आज्ञा चक्र तक चढ़ी थी, मेरे बाप के अंदर नारायण आए थे, मेरी माँ को संघर्षों से बाहर निकालने के लिए मेरे बाप के अंदर नारायण आए थे, और फिर मेरे अंदर भी नारायण जागे वो संघर्षों से बाहर निकालने के लिए, लेकिन मेरी माँ ने उसको अपॉर्चुनिटी दी नहीं। तो मेरी माँ जो थी मेरे बाप को डॉक्टर के पास लेके चली गई और बिजली के झटके दिलाने लग गए। मतलब जिस इंसान का आज्ञा चक्र अवेकन हो रहा है, आज्ञा चक्र अवेकन होते इंसान सबसे पहला काम करता है कि अपनी नौकरी छोड़ देता है, और फिर किसी की सलामी लेता नहीं है, किसी की गुलामी करता नहीं है, फिर वो अपने टर्म्स के ऊपर अपनी विचारधारा से अपनी ज़िंदगी जीता है, उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान आ जाता है। अबे तो जब ज्ञान आ जाता है तो उसके साथ प्यार मोहब्बत से मिलकर बैठकर सुनना चाहिए ना उसका ज्ञान, क्या उसको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, उसको बिजली के झटके दिलाने चाहिए? ऐसे ही मेरी माँ मेरे को डॉक्टर के पास लेके चली गई, वो हराम को और महेंद्र जैन डॉक्टर ने 2600 रुपये की दवाई लिख दी, और मेरी माँ उसको प्याले में घोल घोल के पिला रही है जहर। अबे इतना मूर्ख समाज है, आप समझिए। तो आपके परिवार में किसी प्रकार की समस्या है किसी भी सदस्य को, उसका एकमात्र कारण उसके आसपास वाले, मैं फिर से कह रहा हूँ चिल्ला चिल्ला कर इस बात को, पूरे स्ट्रेस के साथ, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, मेरे को मूलाधार चक्र संबंधित कोई भी बीमारी नहीं है। पिछले 30 सालों के अंदर, 30 सालों का मैं हो गया हूँ, स्वादिष्ठान चक्र संबंधित कोई समस्या नहीं है, मणिपूरक चक्र से संबंधित कोई समस्या नहीं है, अनाहत चक्र संबंधित कोई समस्या नहीं है, विशुद्ध चक्र तो इतना खतरनाक खुला हुआ है, और इतना मैं इंटेलिजेंट बातें करता रहता हूँ तो आगे चक्र खतरनाक खुला हुआ है,
और जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, परमात्मा आपको पूर्ण तरह समर्पित हो तो स्वसार चक्र पूरा खुला हुआ है। चक्रों तक चक्र तो मेरे पूरी तरीके से परफेक्ट है, इसलिए मेरी बॉडी पूरी तरीके से परफेक्ट है, इसलिए मेरे इमोशंस पूरी तरीके से परफेक्ट है, मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट है। काय को? क्योंकि मैंने बहुत पहले पहचान लिया था ये परिवार का कॉन्सेप्ट है ही गलत। ये परिवार का जो कॉन्सेप्ट है, वैसे तो सही तरीके से करें इसको, ईमानदारी से, सत्य से, नीति से, धर्म से और एक कायदे से अगर आप परिवार को निभाएं तो परिवार बहुत अच्छी चीज़ है, बट वो कायदा तो रहा ही नहीं ना। अब कलयुग का समाज है भाई, इस कलयुग में आपका बाप भी कलयुगी बाप है, इस कलयुग में आपकी माँ भी कलयुगी माँ है, इस कलयुग में आपका भाई भी कलयुगी भाई है, इस कलयुग में आपकी बहन भी कलयुगी बहन है, इस कलयुग में आपकी बीवी भी कलयुगी बीवी है, इस कलयुग में आपका जो पति है वो भी कलयुगी पति है, इस कलयुग में आपके जो बच्चे हैं वो सारे कलयुगी बच्चे हैं। तो उस कलयुग का तो एक ही समाधान है, फिर कोई अवतार आएगा उस कलयुग को दूर करेगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सजाम्यहम, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 7, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थाना पड़ताय संभवामि युगे युगे, चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 8। तो भाई फिर वो अवतार को अपने पास बुलाकर, घर में बुलाकर उस अधर्म का नाश करना चाहिए ना, कि उसको पागल करार दे देना चाहिए और उसके साथ हिंसा करनी चाहिए। अब मैं थोड़ा पर्सनल हो गया हूँ सॉरी, बट पॉइंट ये है, आपके परिवार में इस बात को समझ लो, किसी भी इंसान को दिल की बीमारी है ना तो नंगा है आदमी, वो ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है अपनी ज़ुबान बंद करके कि उसकी बीवी उससे प्यार नहीं करती, उसके बच्चों से प्यार नहीं करते, उसके माँ बाप उससे प्यार नहीं करते। इसी प्रकार से पेट से संबंधित डायबिटीज़ हो गया है, जैसे कि श्यामा मौसी जी हैं, उनको वो कोई आंत वात की समस्या हो गई थी, ये बात चीख चीख कर मणिपूरक चक्र कह रहा है उनका कि उन्होंने ज़िंदगी में हार मान ली है। जब ज़िंदगी में कोई दृढ़ संकल्प होता है ना तब इंसान का पेट एकदम खतरनाक रहता है, जिस इंसान का पेट खराब रहता है, जिस इंसान को आंत की समस्या होती है, अल्सर वल्सर हो जाते हैं, पेट का कैंसर वैंसर, पेट संबंधी जो भी चीज़ें हैं, मणिपूरक चक्र चीख चीख के कह रहा है कि वो इंसान हार मान चुका है अपने जीवन में, कुछ आगे करने की, ज़िंदगी जीने की, कुछ बड़ा करने की, अपने परिवार संभालने की, कुछ भी समाज के लिए, किसी भी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ बड़ा करने की अब कोई आशा रही नहीं। वो क्यों नहीं रही? कुछ कारण वही है, परिवार वाले साथ नहीं देते, समाज साथ नहीं देता। इस बात को समझिए, कोई इंसान के पैरों का दर्द होता है, घूंटू का दर्द है, जांघों की दर्द है, जांघों की समस्या है, पिंडलियों की समस्या है, जो नीचे के पंजों की समस्या है, कमर दर्द है, मतलब इंसान अंदर से इनसिक्योर है, फटती उसकी हर बात में कि कैसे होगा, अरे भाई ये बेटे की शादी कैसे होगी, अरे अरे ये मकान का लोन कैसे चुकेगा, अरे अरे भाई ये नौकरी कैसे लगेगी मेरे बेटे की, अरे अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा, अरे ये कैसे होगा, अरे वो कैसे होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। जय श्री राम।